हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 6.5 में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये वेक्टर की बात हो रही है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप फॉर्म्ड ऑन द थ्री वैक्टर्स, ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर। तो पहले हम एक पैरेलल पाइप बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड हो गया। अब ये मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक ओ पॉइंट है ओरिजिन, तो इसका ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, बी वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर हो गया और सी वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो गई। ये तीन साइड हमने इसका माना। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूं तो पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, होता है ए बी सी, यानी तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन हमें इसका वॉल्यूम देता है। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी है वो इस ए बी सी के इक्वल आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ बच्चों बी क्रॉस सी। अगर मैं B क्रॉस C की बात करता हूँ तो B क्रॉस C बी सी साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन और चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं B से C की तरफ जाता हूँ तो इसकी डायरेक्शन A के अलोंग आएगी, तो मैं वहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि ये, इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन A कैप लिख देता हूँ कि हमारे पास जो B क्रॉस C की डायरेक्शन है वो A की डायरेक्शन में, तो उसको मैंने A कैप लिख दिया है। नाउ अब मुझे चाहिए यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है तो ए वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, है ना। ए वेक्टर अगर मैं लिखूँ ए वेक्टर तो वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड ए हो गया, डायरेक्शन के लिए मैंने ए कैप लगा लिया। एंड डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी को अगर मैं लिखूँ तो बी सी साइन इसका ए वेक्टर ये हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ए बी सी एंड साइन साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, बी और सी के बीच में 90 डिग्री का बन रहा था, जो वैसे वहीं पुट कर देना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। साइन 90 का एंगल बन रहा है, बी और सी के बीच का एंगल है, बी और सी के बीच में 90 का एंगल है। एंड इधर बचेगा ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप डॉट ए कैप सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है 1, साइन 90 की वैल्यू भी होती है 1, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था।